नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज का जो है क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 9 है और चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन बोला गया है कि यदि किसी एपी का जो है तीसरा पद मतलब A3 जो है दिया गया है 4 और नौवां पद दिया गया है मतलब A9 दिया गया है -8, तब जो है कौन सा पद जो है उस एपी का जो है शून्य होगा। मतलब हमें जो है n का वैल्यू निकालना होगा। कौन सा मतलब क्या, तो nवां पद जो है क्या होगा तो शून्य होगा। तो पहले मान लेंगे कि nवां पद जो है क्या होगा तो शून्य होगा। तो देखिए हल मान लेते हैं, माना कि एपी का nवां पद क्या है तो शून्य है। इसीलिए n बराबर क्या होगा तो n बराबर होगा 0। अब देखिए यहाँ पर n बराबर जो है 0 आया है और हमें चाहिए किसका वैल्यू, तो n का वैल्यू। और हम लोग जानते हैं कि n बराबर क्या होता है, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू टी बराबर 0। अब अगर हमें a और d मिल गया तब जो है n का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं a और d का वैल्यू। तो इसके लिए जो इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन, तो ये इक्वेशन। इसमें क्या है, तो इसमें है a प्लस 2d बराबर 4 और इसमें है a प्लस 8d बराबर -8। तो यहाँ पर जो है लिख लेते हैं, देखिए। तो इससे पहले क्या करते हैं कि इस n को जो लिखते हैं, देखिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 0 और इसको जो है इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब चलिए इसके बाद लिखते हैं यहाँ पर कि दिया गया है कि एपी के तीसरा पद क्या है तो 4 है, इसीलिए A3 बराबर क्या होगा तो 4 होगा। और A3 को जो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए a प्लस 2d बराबर 4। ये आया कहाँ से, तो ये जो है आया है इस फॉर्मूला से। यहाँ देखिए an बराबर a प्लस एन माइनस 1d के फॉर्मूला से आया है। और जब हम लोग इस an में जो है n की जगह 3 रखेंगे तब जो है ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो इसको जो है क्वेश्चन हम लोग 2 मानते हैं। अब चलिए इसके बाद जो है दूसरा पार्ट को लिखते हैं कि AP का जो है नौवां पद कितना दिया गया है तो -8। तो देखिए फिर दिया गया है कि एपी के नौवें पद क्या है तो -8 है, इसीलिए A9 बराबर क्या होगा तो -8। अब देखिए इस A9 को जो लिख सकते हैं, ये देखिए a प्लस 8d बराबर -8 और इसको जो है इक्वेशन 3 मानते हैं। अब चलिए इसके बाद जो है हम लोग समीकरण 3 और 2 को सॉल्व करके जो है क्या करते हैं, तो a और d का जो है मान निकालते हैं। और सोल्व जो है हम लोग इस तरह से करेंगे कि समीकरण 3 में से 2 को घटा लेंगे। वैसे आप इसको जो है विलोपन विधि से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में जो कॉमन है वो क्या है, तो ये a है, इसमें भी a है और इसमें भी a है। और जब घटाएंगे तो ये वाला पार्ट जो है हट जाएगा और d का वैल्यू जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए जो है हम लोग क्या करेंगे, तो समीकरण 3 में से 2 को घटा लेंगे। ठीक है, देखिए अब समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर हम पाते हैं कि यहाँ देखिए समीकरण 3 में से 2 को घटाना है। और घटाना जो है किस तरह से है, तो यहाँ देखिए समीकरण 3 के LHS पार्ट में से जो है समीकरण 2 के LHS पार्ट को घटाना है। यहाँ देखिए ऐसे लिखेंगे a प्लस 8d माइनस a प्लस 2d। और इस साइड देखिए समीकरण 3 के RHS भाग में से जो है समीकरण 2 के RHS के भाग के जो है घटाना है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, तो -8 -4 होगा। यहाँ देखिए
इसको जो है तोड़ लेते हैं कोष्ट को, तो ए प्लस 8D माइनस ए माइनस गुना प्लस माइनस 2D बराबर माइनस 12। यहाँ देखिए प्लस ए माइनस ए कट गया, और इसको जो है लिख सकते हैं 8D माइनस 2D मतलब 6D बराबर माइनस 12। यहाँ देखिए डी बराबर लिखेंगे माइनस 12 बट्टा 6 और 6 दूनी 12, तो यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर या डी बराबर माइनस 2। यहाँ देखिए डी का वैल्यू जो है आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो डी का वैल्यू जो है समीकरण 2 में रख के जो है ए का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखिए डी का मान समीकरण 2 में रखने पर हम पाते हैं कि क्या होगा, तो जैसे कि यहाँ पर a है तो a लिखेंगे प्लस 2d मतलब 2 गुने माइनस 2 बराबर 4। यहाँ देखिए a प्लस माइनस माइनस 2 2 4 बराबर 4। यहाँ देखिए a बराबर होगा 4 प्लस 4 मतलब a बराबर होगा 8। तो a का वैल्यू भी आ चुका है और d का वैल्यू भी आ चुका है। अब हम लोग जो है समीकरण 1 में जो है a और d का वैल्यू रख के जो है n का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये देखिए अब a और d का वैल्यू, a और d का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं कि क्या होगा, तो देखिए ए कितना है, तो ए जो है 8 है, तो 8 प्लस एन माइनस 1 डी, तो एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो माइनस 2 बराबर 0। यहाँ देखिए इसको लिखेंगे 8 प्लस गुने माइनस माइनस एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर 0। यहाँ देखिए 8 माइनस क्या होगा, तो 2n माइनस 2 अभी कुछ रहेगा ही बराबर 0। इस 2 को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 2n माइनस 2। अब यहाँ देखिए 8 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 0। अब इसको जो यहाँ बनाते हैं, यहाँ देखिए ये होगा 8 2 10, तो 10 माइनस 2n बराबर 0। इस 10 को इस साइड लेके जाते हैं तो क्या होगा, तो होगा माइनस 2n बराबर माइनस 10, और ये प्लस में था सेट, जब इसको सेट लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कट गया, और हमें जो है n बराबर क्या मिलेगा, तो 10 बटा 2 या n बराबर जो है क्या मिलेगा, तो 2 5 10 मतलब 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस AP का जो है पांचवा पद क्या होगा, तो 0 होगा। तो फाइनली जो है हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ देखिए अतः AP का पांचवा पद शून्य होगा। तो ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा समझ आया होगा। तो अभी इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।